हर मोड़ के बाद दृश्यों का नया ही सिलसिला शुरू हो जाता है, किसी क्लेडिस्कोप की तरह। इस मौसम में पहाड़ों को देखना मेरे लिए सदा एक ऐसे अनुभव की तरह होता है जिसकी अभिव्यक्ति गूंगे के गुड़ वाली कहावत के अलावा नहीं बतलाई जा सकती। हमारी बस जैसे जैसे घने जंगल के बीच से गुजरते हुए धीरे धीरे ऊपर को चढ़ती जा रही थी, शुरू नवंबर के गुगनाते सूरज की किरणों का आनंद लेते उनीदे पहाड़ हल्की धुंध में स्मृति की कई परतों में छिपी विगत की एक दुनिया को जिलाते चले जा रहे थे। इन मोड़ों से मैं न जाने कितनी बार गुजरा हूं, पर हर बार सब कुछ नया लगता है। मेरा बचपन इन्हीं पहाड़ों में गुजरा था, ठीक ठीक नहीं कह सकता, पर प्रारंभ के 10-12 वर्ष यहीं बीते। इनका चप्पा चप्पा मेरा देखा हुआ है। मैं कभी लकड़हारों के साथ चल पड़ता था और कभी शिकारियों के पीछे। इनके सब जंगली फल मैंने चखे हैं, एक एक फूल की सुगंध मेरी पहचानी है। न जाने कितने कांटों से मैं उलझा हूं, पिरुल में रपटा हूं और कपड़ों का सत्यानाश करने के दंड में पिटा हूं। बसंत में जब बुरांस फूलते हैं मैं जानता हूं उनके पराग में रसी रात की ओस कितनी मीठी हो जाती है। हम सुबह सुबह जंगल की ओर भाग लेते थे और पेड़ों की ऊंची से ऊंची डाली पर चढ़ फूलों को तोड़ इस अमृत को पिया करते थे। बचपन की ये दुनिया मेरी स्मृति में एक भव्य और अनूठे स्वप्न की तरह यथावत अंकित है। पहाड़ मेरा पहला प्रेम है। जब भी जरा सा भी मौका मिलता है मैं कोशिश करता हूं पहाड़ पहुंचूं। इस मौसम में आना जरा कम ही होता है, पर पहाड़ों पर आने का संभवतः ये सबसे अच्छा मौसम है। बरसात के बाद पहाड़ हरे भरे हो उठते हैं, पत्ती पत्ती इस तरह से चमक उठती है मानो किसी ने उन्हें आंचल से एक एक कर पहुंचकर संवारा हो। वह सुबह रात की हल्की ओस उन्हें और भी निखार देती है। हम सुबह की इस पहाड़ी हवा में जोर जोर से सांस लेते हैं। महानगर के प्रदूषण से आक्रांत वर्षों के किसी भूखे की तरह सारी की सारी हवा अपने फेफड़ों में भर लेने को उतार ले। जब यक्ष्मा असाध्य रोग हुआ करता था तो माना जाता था कि अगर मरीज पहाड़ों में रहे तो वो ठीक हो सकता है। ये कोई मान्यता मात्र ही नहीं हुआ करती होगी। यक्ष्मा मूलतः औद्योगिकरण की उपज है। दुनिया भर में पहाड़ों पर बने सेनेटोरियम यूं ही नहीं बना दिए गए होंगे। हल्द्वानी से सिर्फ 2.5-3 घंटे की यात्रा के बाद ही इस इलाके का जाना माना सेनेटोरियम है। भवाली कस्बा यहां से सिर्फ 1.5 किलोमीटर रह जाता है। एक जमाने तक यह किंग एडवर्ड मेमोरियल सेनेटोरियम के नाम से जाना जाता था, पर अब इसका नाम कमला नेहरू क्षय रोग आश्रम कर दिया गया है। कमला नेहरू का स्विट्जरलैंड ले जाने से पहले कुछ समय यहीं इलाज किया गया। उस दौरान जवाहरलाल नेहरू अल्मोड़ा जेल में थे।
जवाहरलाल नेहरू को देहरादून से अल्मोड़ा इसीलिए लाया गया था कि वो बीमार कमला जी से मिल सके। आज जबकि टीबी उस तरह से असाध्य और खतरनाक बीमारी नहीं रही है, इस सेनिटोरियम का वो महत्व भी नहीं रहा है। पर किसी जमाने में यहाँ किस तरह के लोग इलाज करवाने आते थे, इसका अंदाजा कुछ एक नामों से लग सकता है। सुभाष बोस, शौकत अली के अलावा हिंदी के जाने माने लेखक यशपाल भी यहाँ इलाज करवा चुके हैं। इस कुटिया में कभी कमला जी रहा करती थी। इसे आज देखकर अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि कभी ये इतनी महत्वपूर्ण जगह होगी। पर इससे जुड़ा तथ्य ये भी है कि कमला जी सिर्फ दवाएं लेने और जांच आदि करवाने यहां आती थी और उस सिलसिले में एक आध दिन टिक जाया करती थी। वास्तव में वो अपने इलाज के दौरान अधिकांशतः सेनिटोरियम से कुछ मील की दूरी पर भवाली शहर के दूसरे छोर पर बने चंद्र भवन नामक बंगले में रहा करती थी। पहाड़ी की चोटी पर बने इस बंगले से इस ओर दूर तक का मनोरम विस्तार नजर आता है। भीमताल का कस्बा और ताल यहां से नजर आ रहा है। इस बंगले के मालिक महेश लाल शाह बतलाते हैं कि इसमें सुभाष बोस इलाज के दौरान नजर बंद रहे थे और यहीं हमारे यशपाल जी भी रहे। महेश जी का कहना है कि दिव्या नाम का उपन्यास उन्होंने यहीं लिखा था। अगर हम जरा ध्यान से देखें तो जगह जगह जो घाटियां नजर आ रही हैं वो इस बात का आभास देती हैं कि कभी यहां भी तालाब होंगे। बस इस क्षेत्र के सुंदर तालाब प्रसिद्ध हैं। नैनीताल को कौन नहीं जानता, भीमताल प्रसिद्ध ताल है। इसके अलावा यहां से कुछ ही दूरी पर बाईं ओर नौकुचिया ताल है। नौकुचिया का अर्थ है नौ कोने वाला। पर भीमताल के साथ दाईं ओर के घने जंगलों के बीच तालों का एक गुच्छा ही है। ये सात ताल के नाम से जाने जाते हैं। एक दूसरे से जुड़े हुए इन तालों के नाम हैं रामताल, लक्ष्मण ताल, सीता ताल, गरुड़ ताल आदि। किसी जमाने में ये निजी संपत्ति हुआ करता था। तब पर्यटक यहां इतनी बड़ी संख्या में और इस तरह मोटर गाड़ियों में लद फंद कर नहीं आया करते थे। उन दिनों सड़क भुवाली तक ही थी, आगे पैदल आना होता था। इनकी तब की शांति, सुंदरता और पवित्रता का अनुमान संभवतः आज नहीं लगाया जा सकता। आज पर्यटन के नाम पर बने ढाबों में बजने वाले फिल्मी गीतों को सुनकर मुझे कहीं बड़ी पीड़ा होती है। इलेक्ट्रॉनिक संगीत यंत्रों का शोर किसी दैत्य की तरह हमारा पीछा करता फिरता है। मैं अक्सर सोचता हूं, क्या पर्यटकों का मन संगीत के नाम पर होने वाले इस बेहूदे शोर से भरता नहीं होगा? वे क्यों नहीं यहां का प्राकृतिक संगीत सुन पाते? हवा की ताल पर गाते पत्तों की आवाज, पक्षियों का चहचहाना, नदी का बहना, क्या इससे बड़ा कोई संगीत हो सकता है? असल में इस संगीत को सुनने के लिए थोड़ा प्रयत्न करना होता है। यही नहीं कि हमको अपनी सुविधा में शहरी जीवन को छोड़ना होता है, बल्कि अपनी आंखों को, अपने कानों को और इससे भी बड़ी बात अपने मन को सप्रयत्न इन स्वाभाविक प्राकृतिक ध्वनियों, उनकी लय और ताल को सुनने और समझने में लगाना होता है। ये पुराने दिन मुझे क्यों इस तरह बेसाख्ता याद आ रहे हैं? Mm-hmm.
शायद चांदनी रात के इस माहौल ने मेरी स्मृतियों के सिंह द्वार अचानक खोल दिए हैं। उस पुराने एकांत को, उस सौंदर्य को, उस दैवीय संगीत को मैं इस समय निरापद सुन रहा हूं। ये कोसी नदी है, सड़क के साथ साथ चलती। अल्मोड़ा यहां से 1.5-2 घंटे की दूरी पर है। ये बतलाना तो मैं भूल ही गया था कि ये वो कोसी नहीं है जो नेपाल से निकलकर बिहार में आती है और हर बरसात में तबाही मचाती है। ये स्थानीय कोसी है और पहाड़ों से उतरते उतरते तराई में विलीन सी हो जाती है। पहाड़ी नदियों का पानी देखना लगभग एक्वेरियम में संचित जल जीवन को देखना जैसा होता है। वैसा ही पारदर्शी और आकर्षक, यह मानो किसी मूवी कैमरे के साथ आप भी पानी के अंदर सब कुछ जीवंत देख रहे हों। यहां गहराइयां हैं पर अतल नहीं है। छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। हिंदी के संभवतः प्रकृति के सबसे बड़े चितेरे कवि सुमित्रानंदन पंत का जन्म यहीं हुआ था। अब वैसे ये कौसानी कहलाता है और एक छोटे मोटे कस्बे में बदल गया है, पर तब इस जगह का नाम जहां आज बस स्टॉप है हाचिना था। यहीं ऊपर वो मकान है जहां सुकुमार कवि जन्मे। अब उस मकान को पंत जी की स्मृति में संग्रहालय बना दिया गया है। यद्यपि हिंदी साहित्य प्रेमियों का यह तीर्थ बन गया है, पर कौसानी का असली महत्व यहां ऊपर बने अनासक्ति योग आश्रम में है। यहां से नगराज हिमालय के विराट रूप के दर्शन होते हैं। पश्चिम में गढ़वाल से लेकर पूर्व में नेपाल तक नजर आती इस श्रृंखला में त्रिशूल, नंदा देवी, पंचचूली और बनकटिया जैसी प्रसिद्ध चोटियां हैं जो साहसी प्रकृति प्रेमियों के लिए एक सतत चुनौती के रूप में खड़ी हैं। रात की स्याही को भेदती सूर्य की पहली किरणें जब इन शिखरों को छूती हैं तो चांदी मढ़े ये पर्वत इस तरह लालिमा से भर उठते हैं जैसे किसी किशोरी के कपोल अपने प्रियतम के आने के आभास मात्र से लालिमामय हो उठे हों। इसके पीछे साथ लगा तिब्बत का पठार है। कुमाऊं का तिब्बत से अनंत काल से संबंध रहा है। यह आश्रम कभी डाक बंगला था जहां अंग्रेज अफसर आकर ठहरा करते थे। इस जगह का यह सौभाग्य ही कहा जाएगा कि महात्मा गांधी जून 1929 में यहां आए थे और यहीं उन्होंने गीता पर अपनी टीका अनासक्ति योग लिखी थी। इसकी भूमिका पर 24 जून 1929 की तिथि लिखी हुई है। सन 1964 में सुचेता कृपलानी ने जब वो मुख्यमंत्री थी इसे उत्तर प्रदेश गांधी स्मारक निधि को दे दिया था और इस तरह ये डाक बंगला अनासक्ति आश्रम के नाम से जाना जाने लगा। क्या कोई बता सकता है कि उसने सबसे पहले इस अनंत आकाश को एक महान रहस्य के रूप में चकित होकर कब देखा होगा? कम से कम मैं तो नहीं बता सकता, पर यह मुझे याद है कि एक रात मैं और पिताजी कहीं से लौट रहे थे। मैं तब 7-8 साल का रहा होगा। इसी तरह बरसात के बाद शरद का मौसम ही होगा। मेरे पिताजी कुछ तेज चाल से चला करते थे। वो कितना भी धीमे चलें, मुझे उनके साथ रह पाने के लिए लगभग
दौड़ते हुए ही चलना पड़ता था। मैं रोज की तरह जेबों में हाथ डाले लगभग उछलता हुआ चला जा रहा था कि अचानक टिमटिमाते तारों से गच्छ आकाश पर मेरी नजर पड़ी। मैं जहां का तहां खड़ा रह गया। पिताजी ने जब मुड़कर मुझे देखा तो मैं काफी पीछे छूट चुका था। क्या हुआ, क्या देख रहे हो, उन्होंने रुककर तेज आवाज में मुझसे पूछा था। नजर हटाए बिना मैंने कहा था, इस आकाश में इतने सारे तारे कहां से आ गए हैं? पहले तो वो हंसे और फिर उन्होंने वही सारी बातें बतलाई जो किसी 8-9 साल के बच्चे को बतलाई जाती हैं। पर इस संदर्भ में उन्होंने एक बात कही थी, वो मैं नहीं भूल पाया हूं। उन्होंने कहा था, रूसी चित्रकार रोरिक ने कहा है, जैसा स्वच्छ और निर्मल आकाश अल्मोड़े से नजर आता है, वैसा संभवतः दुनिया में और कहीं से नजर नहीं आता। हम कितने खुशनसीब हैं कि आजकल चांदनी रात है, चांदनी और वो भी शरद की। चांदनी की इस अनुपम निर्मलता में नहाए ये खेत, ये जंगल, ये पहाड़, ये नदी नाले, संभवतः इंद्रजाल इसी का दूसरा नाम रहा होगा। कौसानी से कत्यू घाटी का विहंगम दृश्य नजर आता है। किसी समय यह घाटी कुमाऊं का केंद्र रही थी। कत्यूर वंश ने यहीं से 500 साल तक कुमाऊं और गढ़वाल पर शासन किया था। बैजनाथ उस प्राचीन वैभव का एक अवशेष मात्र है। गोमती के तट पर बने मंदिरों का ये समूह तत्कालीन पर्वतीय शिल्प और वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है। मुख्य मंदिर में प्रतिष्ठित अष्ट धातु की पार्वती की मूर्ति 1000 वर्ष बाद भी यथावत है। मूर्ति चोरों ने इस क्षेत्र में भी काफी उपद्रव मचाया है, इसीलिए सुरक्षा की दृष्टि से मूर्ति का फिल्मांकन वर्जित है। इस नदी में कई तरह की मछलियां मिलती हैं, पर यहां उन्हें अभयदान मिला हुआ है। वे जानती हैं यहां उन्हें कोई हाथ नहीं लगाएगा, इसीलिए इतनी निडर और मित्रवत हो गई हैं। वैसे पहाड़ी नदियों में मछली पकड़ना भी एक विशेष आकर्षण माना जाता है। नदी के साथ साथ अगर हम चलें तो 18 किलोमीटर की दूरी पर बागेश्वर में ये गोमती सरयू में मिल जाती है। ये दोनों ही स्थानीय नदियां हैं, कोसी की तरह। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, व्याघ्रेश्वर या बागेश्वर। शिव यहां का अधिष्ठाता देव है। शिव का यहां विशाल मंदिर है, एक तरह से इसे स्थानीय तीर्थ कह सकते हैं। माघ के महीने में संक्रांति के अवसर पर यहां मेला लगता है। किसी समय यह मेला जबरदस्त व्यापारिक मेला हुआ करता था। यहां के मेले हाट उत्सव और धर्म का समन्वय रहे हैं। कौसानी से दूसरी ओर उतरते ही सोमेश्वर की उपजाऊ घाटी शुरू हो जाती है। घाटी में ये खेत ऐसे नजर आते हैं मानो किसी बच्चे ने सब प्रयास सोच विचार कर लकड़ी के टुकड़ों को मिलाकर एक भव्य रूप को साकार किया हो। घाटी के ये ज्यामितीय आकार हो या पर्वत पर चढ़ते उतरते खेत, इन सभी को देखकर मेरा मन गर्व से भर उठता है।
मेरे पूर्वजों ने इन विशाल बिहड़ और घने जंगलों से भरे पहाड़ों की चुनौती को स्वीकार किया था। ये खेत उनके साहस, धैर्य और कर्मठता के जीवंत प्रमाण हैं। पहाड़ी खेती आसान नहीं होती। यहाँ का जीवन, विशेषकर एक खेतिहर का जीवन, अत्यंत कठोर है। अधिकांश खेतों में साल भर की मेहनत से किसान 6 महीने के लिए भी पर्याप्त अन्न नहीं जुटा पाता। फिर भी यहाँ खेती ही मुख्य जीविका है और नौकरी इस जीविका की सहायक। इसी रास्ते पर आगे कोई 10-15 किलोमीटर की दूरी पर चनौदा है। ये गांव पर्वतीय क्षेत्रों में खादी के प्रचार प्रसार का मुख्य केंद्र रहा है। यहां मुख्यतः ऊनी वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। जैसा कि खादी का घोषित उद्देश्य रहा है, अधिकांश काम में स्थानीय लोगों की सक्रिय भागीदारी रहती है। ऊन कातना, बुनना आदि सब स्थानीय लोगों द्वारा अपने घरों में कृषि कार्य से बचे समय के दौरान किया जाता है। ये उनकी आय का अतिरिक्त पर महत्वपूर्ण साधन है। हम चनौदा के इंटरमीडिएट कॉलेज में हैं। जब वस्तु T/2 पर है, उसका विस्थापन 0 है, क्योंकि वस्तु एक चक्कर पूरा लगाने के पश्चात बिंदु O से A पर जाने के पश्चात। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि पहाड़ के इस इलाके में पढ़ने लिखने का चलन प्रारंभ से ही रहा है। इस मंदिर में अल्मोड़ा जिला उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक शिक्षित जिला है। पढ़ना संभवतः यहाँ की मजबूरी भी है। अपर्याप्त कृषि के कारण अतिरिक्त आय के साधन जुटाने की तलाश में शिक्षा महत्वपूर्ण साधन बनती है। एक सप्ताह यूं गुजर गया, मनु कल आए हो। अगर आप सिर्फ देखना भर चाहते हैं तो संभवतः इन 7 दिनों में आधा कुमाऊं तो घूमा ही जा सकता था, पर शायद प्रकृति को देखना वैसा देखना भर नहीं होता जैसा कि हम किसी शहर या किले की भव्यता या विशालता को देखते हैं। इस देखने में मुख्यतः महसूस करना ही होता है, और ये तभी हो सकता है जब हम अपने को प्रकृति के साथ एकाकार कर सकें, अपने शहरी मिजाज, स्वाद और रसों को भूल जाएं। और इसके लिए समय चाहिए, और उससे भी बड़ी बात धैर्य चाहिए।